कुछ ऐसा प्लान है, हम जा रहे हैं ताड़केश्वर, और सुबह के बज रहे हैं 5, तो देखते हैं रास्ते में दिखाऊंगा। और ये तो थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ, वैसे मामा के यहाँ आ रहा हूँ, बाकी बाद में करेंगे शूट, अभी थोड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पे, शूट बाद में। बाबू। इनकी पॉटी नहीं उतर रही है, ये देखिए कैसे खड़े हैं, पॉटी नहीं उतर रही नहीं आधे है। घंटे में आ प्रांजल जाइए, आधे घंटे से लेट मत करिए। क्या प्रांजल उधर गई, पॉटी चल रहा है भाई, पॉटी उधर उल्टी गई। पुल्टी बात मत करो। अभी सुबह के बज रहा है 6:30, और हम जा रहे हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से अप्रॉक्स 70 किलोमीटर बोल सकते हैं, 70 किलोमीटर है, जो दुगड्डे से आगे लैंसडाउन वाली रोड है उसमें जाना है। फिर लैंसडाउन में आगे जाके कुछ किलोमीटर जाके तब डाइवर्जन आते हैं, तो वहाँ मैं जाके दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से जाना है। और जो हमारी गाड़ी है, मैं गाड़ी दिखाता हूँ आपको। फिलहाल हमारी गाड़ी ये है होंडा, कौन सी है, BRV या BR5 बोल सकते हैं इसे। इसमें हम जा रहे हैं, 7 लोग हैं, पूरी पिकनिक वाला माहौल बन चुका है, और देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचते हैं। यहाँ से 70 के अप्रॉक्स किलोमीटर है, चलिए देखते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। फिलहाल अभी हम 15-20 किलोमीटर दूर हैं ताड़केश्वर मंदिर से, और व्यू एक नंबर है। जैसे आप सिनेमेटिक शॉट्स में देखा होगा, भाई कोहरा लगा हुआ है, और धीरे धीरे बारिश भी हो रही है, और व्यू का तुम्हेश्वरी वो क्या बोलते हैं, व्यू है, दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। देखो पूरा कोहरा लगा हुआ है, चलते हैं वापस गाड़ी में। अरे छुप कौन रहे हैं दोनों, चलते हैं फटाफट, और ऊपर ताड़केश्वर मंदिर में मिलता है व्यू। तो देखो भाई बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और नीचे देखो सीधा खाई। गाड़ी व्यू दिखाने के लिए रोकी थी, बाकी व्यू तो एक नंबर है, पूरे मज़े आने वाले हैं इस पिकनिक में। हम 4 भाई आ रखे हैं, बाकी 2 ओल्ड ओल्ड पर्सन, उनकी उनका ग्रुप अलग है, हमारा ग्रुप अलग है। व्यू एक और बार दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या व्यू है, बादल पूरे हमसे नीचे बादल हैं, और नीचे पूरी वैली है। टाइम लैप्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, देखो कितने तेज़ से चल रहे बादल। बहुत तेज चल रहे हैं बादल, और हरियाली हरियाली। चुके हैं ताड़केश्वर टेंपल, अगर किसी को प्रसाद वगैरह लेना होगा तो हमने गाड़ी साइड लगा चुकी है, चलते हैं मंदिर में। चलते हैं, फिलहाल हमने एंट्री ले ली है, दरवाजा पीछे गेट, चलते हैं। बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, यहाँ कोहरा वगैरह लग रखा है, देखते हैं कि अच्छा से शूट होता है नहीं होता है, बाकी चलते हैं। बाकी मंदिर नीचे वाले रास्ते में, ऊपर आश्रम है जो दिख रहा है, पूरा रेड कलर का आश्रम है। बाकी मंदिर तो नीचे चलना है सीधा सीधा। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताङ्गुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाथ वट्ट मर्वयन् च
चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीच वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् 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 चलललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् गंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पण मणिप्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मे। फिलहाल अभी मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं सब और हम करने वाले हैं पिकनिक टाइप, खाना खाएंगे अभी यहाँ पे बैठ के। वो सब वो जा रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं। एक तो बारिश की वजह से सब गीला हो रखा है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है हमारा भाई, बहुत ज़्यादा परेशान। मन्नत मांगने आया हुआ था कि मेरी परेशानी दूर कर दो। बाकी वहाँ चल रहे हैं, वहाँ पर करते हैं पिकनिक का, दरी वरी बिछाते हैं, बैठ के खाते हैं। फिलहाल हमने खाना खा लिया, अब हम चल रहे हैं वापस ऊपर। मंदिर के दर्शन वगैरह भी कर लिए थे उन्होंने, अब चलते हैं सीधा वापस ऊपर और वहाँ देखते हैं कि क्या सीन है। बाकी तो सारे होटल वगैरह हैं यहाँ पे। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो यहाँ भी आते हैं ना तो गंदगी मत किया करो। यहाँ के गार्ड भी बोल रहा था कि यहाँ आते हैं लोग और गंदगी करके चले जाते हैं, तो जो गंदगी आप लाते हो वापस लेके जाया करिए। एक पॉलीथीन ले ले जिसमें आप गंदगी वगैरह लेके जाए वापस, बस यही कहना चाहूँगा। आप चलते सीधा ऊपर मिलते हैं। कैसा खा रहा है मेरा माइक? ले 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 ले। अब नीवल, अब नीवल बहुत हो गया, अब कुछ नया लाओ मेन्यू में। जैसे कोई यहाँ आता है तो रुकने का ये बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर ये पीछे धर्मशाला है, दिखाता हूँ बैक कैमरे से, यहाँ से लाइट आ रही है उस पर, तो यहाँ आप रुक सकते हैं। है वो धर्मशाला, यहाँ रुकिए। यहाँ से मंदिर मुश्किल से 200 मीटर की दूरी में है और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, तो चलते हैं सीधा ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर से मेन रोड से 500 मीटर के आसपास है नीचे, 500 मीटर नीचे आना है। और यहाँ जो पेड़ है भाई बहुत प्यारे लगते हैं पेड़, और ठंडा इतना है यहाँ पे, मतलब मैं कोटद्वार से आया, कोटद्वार में तो धूप है और यहाँ बारिश हो रही है। कोटद्वार में तो धूप हो रही है और यहाँ बारिश हो रही है। जैसे कि आपने देखा था कि धुंध भी लगी हुई थी, मतलब कोहरा बोलते हैं जैसे कोहरा लगा हुआ था, और यहाँ बारिश की बूंदें गिर रही है और ठंडा मौसम हो रहा है। अब हम हाफ पहन के आ रखे हैं तो ठंड भी लग रही है, तो अब सीधा ऊपर चल के ही मिलते हैं। फाइनली हम ऊपर पहुँच चुके हैं, बट मेरी तो हालत टाइट हो चुकी है, तो चलते हैं फटाफट फटाफट ऊपर। मेरी गोप्रो की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, सब पावर बैंक से चार्ज करेंगे थोड़ी देर में। बाकी वो उधर है मेन गेट, सांस फूलने लग गए, बातें नहीं हो रही। नीचे आते वक्त तो मज़ा आया था, बट ऊपर आते वक्त हवा टाइट। हालत टाइट, देख रहा हूँ हालत हो गई टाइट। यहाँ से कम 500-600 मीटर नीचे जाना है तब है मंदिर। बाकी पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं, पार्किंग है। बाकी थोड़ी देर में बात करता हूँ, सांस फूल रही है। काफ़ी सही प्लेस थी वो, मतलब पीसफुल था एकदम, मेडिटेशन वगैरह के लिए तो बेस्ट है वो। वहाँ जो पेड़ है, इन्वायरमेंट है,
कोई शोर शराबा नहीं, कोई गाड़ी का हॉर्न वगैरह नहीं, एकदम मस्त पीसफुल, मजा आ गया जाके। ताड़कशर से तो हम आ गए थे यार, हम हनुमंती वाली रोड पे आ रखे हैं, पीछे पूरी नदी है, अब यहाँ नहाएंगे हम। गोपर मैंने निकाल लिया वाटरप्रूफ शॉर्ट्स लेने के लिए वाटर के अंदर। बाकी यहाँ पर मुझे एक अच्छी चीज़ देखी, वो दिखाता हूँ मैं आपको। रिपीट स्लिप कैंप रिपीट, यहाँ रात में कौन रुकेगा, ये बात है, यहाँ रात में कौन रुकेगा। बाकी देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा बैठते हैं और मज़े लेते हैं। अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ पर पानी कम था तो हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, यहाँ तो पानी है ही नहीं बिल्कुल भी, पानी वहाँ है आगे जाके, वहाँ चलते हैं फिर वहाँ नहाएंगे। अब पानी की क्या प्लीजेंट आवाज़ आ रही है, वहाँ हम डेस्टिनेशन पहुँच गए। पीछे देखिए यहाँ पर हो रखा है पानी खट्टा, जैसे बोलते हैं आम की डाली, तो पता हुआ आम की डाली, यहाँ पानी थोड़ा रोक रखा है, रोक भी क्या रखा है, बहता भाई पानी थोड़ा सा, मतलब गहरा सा, हल्का गहरा, ज़्यादा गहरा नहीं है, तो डूबेगा भी नहीं कोई। यहाँ पर नहा लेते हैं, हम खाता हूँ पीछे वाले कैमरे से आप लोगों को, आप ही लोगों को, हाँ आप ही लोगों को। कुछ ऐसा है पानी ऊपर से आ रहा है, यहीं पर नहा लेंगे, गोप्रो रेडी है। हम हो चुके हैं रेडी, पूरे नंगे हो गए हम, अब जाएंगे पानी के अंदर, पानी के अंदर का शॉट दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। आ जाओ भाई, आ जाओ, रंग बिरंगे कपड़े वाले, आ जाओ, चलिए चलिए, तो बहुत ठंडा, ओए ओए गिराने गिराने की नहीं है, वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले वाली क्लिप थोड़ी वैसी आई, वो भी पानी की छींटे थी, बट हम रेडी हो चुके हैं, मस्त मस्त, बहुत ठंडा पानी है, मजा आने वाला है। Few moments later. फिलहाल हम नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, बाकी भाई अब बाल वाल तो क्या बनेंगे, गीले हो गए, बाकी फ्लो तो अब काफ़ी तेज़ हो चुका है और शायद धूप भी चली गई, मतलब फुल ठंड लग रही थी, तो हम चलते हैं वापस घर। बहुत नहा लिया, एक डेढ़ घंटे से हम पानी के अंदर, और भाई पत्थर इतने फिसल रहे हैं पानी के अंदर कि पूछो मत, खतरनाक फिसल रहे हैं। दो तीन बार तो मैं गिर भी गया था, और एक बार तो भैदे भैदे चली भी गया आगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये वीडियो यहीं तक थी, होप कर दो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई होगी, तो बाय बाय। अगर नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देख लेना, अगर आएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बीच में आजकल थोड़ा डिले चल रहा है, और ये हमें पत्थर दिखा रहा है, इस नंगू को देखो, इसके लिए भी कमेंट कर देना, इसकी बॉडी कैसी लग रही है, जॉन सिन्हा जी। ओके बाय।